नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में, जिसमें मिलती रहती है आपको एजुकेशन रिलेटेड सबसे पहले अपडेट और कोई भी एजुकेशन का जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो भी यहाँ मिलते रहते हैं। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं जो आर्मी करंट टाइम में जो भी या आगे आने वाले जो भी आर्मी के पेपर है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन है उनका संग्रह यहाँ तैयार कर रही है। हो सकता है वीडियो लंबा हो क्योंकि पूरा सिलेबस यहाँ मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती है उनको उनके भर्ती वाले बच्चों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। तो वीडियो को फुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो नीचे जो रेड कलर का बटन दिया है सब्सक्राइब, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब तथा घंटी वाली बेल आइकन दबा के आप इसको नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। चलो बिना देरी किए हम बात कर लेते हैं पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पहले बात करेंगे आयतन क्षेत्रमिति आयतन प्रश्नावली, उसमें भी आपको पता है क्वेश्चन आता है तो लगभग वृत्त या आयत से आता है। तो पहले हम वृत्त के क्वेश्चन सोल्यूशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो बिना देरी ये करें क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो ये मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 14 मीटर है तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप सबको पता है क्या होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? परिधि का तो होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ? अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही दे दिया। अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है? त्रिज्या होती है। यानी आर आपको दे दिया, कितना दिया है? 14 मीटर। ये ध्यान रखना आपको, यानी अर्धव्यास आपको दे तो उसको आधा नहीं करना, वो त्रिज्या होती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ 14 का भी आधा कर देते, तो अर्धव्यास सीधा व्यास लिखता तब आपको आधा करना है। अर्धव्यास दिया हो तो डायरेक्ट त्रिज्या मानो, ठीक है? तो मान रख के हम हल करेंगे 22/7 × 14 × 14, तो आप काट के हल करोगे तो कितना आएगा, 2 बार कटा, और इनको यदि आप गुणा करके देखोगे तो 616 मीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल आएगा। और परिधि भी आप साथ में ज्ञात कर लो, परिधि भी ज्ञात करने के लिए बोले तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। क्या होती है परिधि? 2 पाई आर होती है। 2 × 22/7 × r कितना दे रखा है आपको? r दे रखा है 14, तो आप काट के हल करोगे 2 बार और 22 × 44 × 81 मीटर आपकी क्या आएगी? त्रिज्या आएगी। सॉरी, यहाँ क्या आएगी? परिधि आएगी आपकी। मैंने त्रिज्या बोल दिया, परिधि आएगी। परिधि आपकी 88 मीटर तथा क्षेत्रफल आएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो परिधि आपके मीटर में आएगी और क्षेत्रफल की कई मीटर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि बताओ। ये क्वेश्चन आपके टीए भर्ती में भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है, हो सके तो। अब बात कर लेते हैं आपको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह आपका मान दिया 154, क्योंकि आपको पता है पाई आर स्क्वायर का आपको मान दे दिए, तो पाई का मान कितना हुआ? 22/7 × r² बराबर कितना हुआ? 154। अब यदि 22 से ये कटे तो कितनी बार कटता है? 7 बार कटता है। अब देखो r² / 7 = 7, इसका मतलब r² = गुणा करते हो कितना आएगा? 49 आएगा। इसका मतलब आपका r कितना आ गया? यदि आपको यहाँ कहता r कितना है तो आपको करना चाहिए था 7 मीटर। क्या करने चाहिए था? 7 मीटर। कई बार डायरेक्ट आपको r ज्ञात करने, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोले तो 7 आएगा, जबकि आपके यहाँ ज्ञात क्या करना है? परिधि ज्ञात करना है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसलिए परिधि क्या होगी? 2 × 22/7 × 7, यानी 7 से 7 कटा कितना है? 44 मीटर। आपको ध्यान रखना, परिधि ज्ञात करने के लिए बोले तो 44 पहले आर ज्ञात करके फिर करेंगे, और केवल आपको त्रिज्या कहता आपकी 7 मीटर होगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है, यदि एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है तो वह कितने क्षेत्रफल पर घास चरेगा। अब सीधी सी बात है, घोड़ा आपको पता है, यह मान लेते हैं हम जो घोड़े को बांधते हैं वो, तो इसके 7 मीटर लंबी रस्सी है, इसका मतलब घोड़ा ऐसे घास चरेगा। कैसे चरेगा? तो यदि आप घोड़ा घास चरने की गाय हो या घोड़ा हो और रस्सी की लंबाई दे तो रस्सी की लंबाई आपकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? आर बराबर आपको 7 मीटर दे दिए। अब कई बार आपको घड़ी के जो होता है वैसे आप सुराया होता है वो भी दे सकते हैं, यानी सुई, घड़ी वाली सुई दे दे तब भी आपको पता है कि कहता है कि घड़ी की सुई की लंबाई इतनी है तो वो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल मतलब तय करेगी, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन करवाया था जस्ट वैसा ही है, 22/7 × 7 × 7 कितना आएगा? 22 × 7 = 154 मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा कितने क्षेत्रफल पे घास चढ़ेगा? 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे चढ़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक वर्ताकार पहिया है, वर्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 14 मीटर, त्रिज्या कितनी दी है? 14 मीटर दी है, तो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाए। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है चक्करों
की संख्या को जब परिधि से गुणा करते हैं, क्योंकि एक वर्त होता है उसकी जो परिधि होती है वही एक चक्कर की क्या होती है, दूरी होती है। तो इसकी परिधि को यदि चक्कर से गुणा करें, क्या करें, परिधि गुणा चक्कर करें तो क्या आता है, दूरी आती है। परिधि गुणा चक्कर करें तो क्या आती है, दूरी आती है। अब आपको पता है परिधि, आपको पता है 2πr होती है, 2πr गुणा चक्कर बराबर क्या लिखना होगा, दूरी रखना होगा। तो आपको पता है चक्कर की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, दूरी बटा 2πr, ये मैं बताता हूं कि दूरी बटा 2πr करते यदि हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। अब दूरी आपको दे रखी है कितनी, 88 किलोमीटर है, तो पहले बात कर लेते हैं इसका मतलब 88,000 मीटर है। अब बात करें यहां आपको क्या है, त्रिज्या आपको दे रखी है 2 × 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया, 14, दो बार कटा, ये कितना हुआ, नीचे आ रहा है 88, पूरा कटेगा 88 से कितना आया, 1000 चक्कर, कितना चक्कर आएगा, 1000 चक्कर आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए तो वो पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयताकार पर्श जिसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है तो उस पर 21.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइलें लगाने का खर्चा बताओ। अब बात कर लेते हैं आपका फर्श क्या है, आयताकार, आयत आप सबको पता है ऐसा होता है, आयत कैसा होता है ये थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ये इसकी क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई होती है, और ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। आयत की ये क्या होती है, चौड़ाई होती है। अब आपको पता होना चाहिए यदि यहाँ बात करता कोई खेत होता है उसके बाढ़ की बात करे, हमेशा ध्यान रखना बाढ़ करवाने की बात करे या चारों मेर कोई भी आपको काम करवाना तो वो होता है परिमाप, या कह सकते हैं परिधि, या कह सकते हैं परिमिति। जबकि आपको क्षेत्रफल की बात करे, जैसे टाइलें लगवानी है और लगवाना है, कोई पॉलिश करवानी है तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो आयताकार का क्षेत्रफल बात करें तो क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, बीकानेर 2017 की भर्ती में ये सूत्र पूछा गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, हमेशा ध्यान रखना। और परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र जो परिमाप का पूछा गया था बीकानेर भर्ती 2017 में, ठीक है। और क्षेत्रफल आपकी बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जैसे हम कोई भी वस्तु होते हैं हम कहते हैं ना इतने वाई इतने का, वाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। और बात करें परिमाप निकालना, आपको सबको पता भी है क्योंकि चारों ओर की लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और डबल कर दिया क्योंकि चारों में क्या आ जाएगी। अब बात कर ले, चलो लंबाई कितनी है, लंबाई है 7 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, इसका मतलब कितना है, 28 मीटर का क्षेत्रफल आया। और खर्चे की बात करें तो गुणा कर दो, क्या करोगे, 28 गुणा कितना आपके दे रखे रुपए से गुणा कर दो, 21.5 या कह दे 50, ठीक है। तो आपका ये आने वाला है 602 रुपए, ये गुणा करके देख लेना कितना उत्तर आएगा, 602 रुपए। ये क्वेश्चन आया था जोधपुर आर्मी भर्ती 2000 जो अभी लगी थी 19 में, इसमें आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे दिया, क्या दिया, यदि एक आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर है उसका विकर्ण क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, चौड़ाई नहीं दे रखी है, लंबाई 15 मीटर तथा उसका विकर्ण 17 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। अब पहले बात तो आपको बताया आयताकार आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है, इसकी आपको लंबाई तो दे दी, कितनी दे दी है, लंबाई आपको दे दी है 15 मीटर, और आपको दूसरा क्या दिया है, विकर्ण दिया, कितना दिया है 17 मीटर। और यदि यहाँ बात करें आपको ये चौड़ाई चाहिए, ये लंबाई तो आपको दे दी, चौड़ाई चाहिए तो चौड़ाई आपको ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है 90 डिग्री कोण आयत में होता ही है, आपको करण दे दिए, आधार दे दिए, लंब ज्ञात करना है तो आपको पता है 17 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर करेंगे तो 289 - 225 रूट निकालेंगे, कितना आएगा, यह आपकी चौड़ाई आएगी, चौड़ाई कितनी आएगी, चलो निकाल लेते हैं जल्दी से, तो यह आया आपका 64, क्या आया 64, और 64 का रूट कितना होगा 8 मीटर, आपकी चौड़ाई कितनी आएगी 8 मीटर आएगी। पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यदि आपको विकर्ण दे के लंबाई या चौड़ाई दोनों में से एक दे दे तो आपको पहले ही ज्ञात करना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, चलो यहाँ आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई अब आपके पास है, लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी 8, इसका मतलब 15 * 8 कितना हुआ 120 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। चलो अगला क्वेश्चन भी किससे है, आयत से रिलेटिव है तो बात कर लेते हैं। आपको पहले बात आयताकार बगीचा दे रखे हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 100 मीटर और 80 मीटर, कितनी 100 मीटर और 80 मीटर। अब 2 मीटर का रास्ता चारों ओर काटना है, इसका मतलब रास्ता कैसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, यहाँ रास्ता बढ़ेगा, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, रास्ते की चौड़ाई ध्यान रखना कितने मीटर दे रखी है 2 मीटर,
2 मीटर का इधर कटेगा और 2 मीटर का इधर कटेगा रास्ता, और 2 मीटर का भी इधर है, 2 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई इधर है, क्योंकि चारों ओर है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम कहें ये तो बगीचा है, 100 बाई 80 का क्या है बगीचा है, और बाहर वाला ये आगे, अब बाहर वाला बड़ा आयत आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि रास्ता बाहर हो तो जुड़ेगा सीधी सी बात है, बड़ा आयत क्या होगा, 2 इधर बढ़ेंगे 2 इधर, इसका मतलब इधर कितना हो गया 80 और 4 जुड़ गया कितना 84, और इधर कितना बढ़ा 100 था, 2 इधर और 2 इधर 4 जुड़ा, यानी 104 गुणा कितना, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 84, 104 गुणा 84 को गुणा करना है आपको। फिर क्या करना है, जो छोटा वाला आयत है वो क्या है 100 बाई 80 का है, वो घटाना है, तो आपका जो आएगा ये ऊपर वाले में से ये लेस करके फिर आपको पता है रुपए से गुणा कर देना है, 10 रुपए है, तो जो क्षेत्रफल आएगा रास्ते का उससे गुणा कर दोगे तो आपको क्या आएगा खर्चा आएगा। अब एक बात और बताना चाहूंगा, यदि ये रास्ता होता अंदर तो आपको पता है 2 और 2 दोनों तरफ 2 2 होता, 4 4 लेस करते, यानी 80 में से 4 कम करते और 100 में से कितने 4 कम करते, तो ये आपको रास्ते वाले क्वेश्चन ध्यान में रखने हमेशा के लिए। चलो थोड़ा सा आप गुणा करके देख लो, ये तो आया आपका क्या आया। अब बात कर लेते हैं इनका अंतर होगा वही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतर देखो कितने का है 736 मीटर का, ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आपको कह रखा है खर्चा बताओ, क्या बताओ खर्चा बताओ, तो खर्चा क्या होगा रुपए गुणा कितना है 736 गुणा रुपए 10 है, इसका मतलब 7 जाती 60 रुपए आपका क्या आएगा उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का, यदि अंतर होता तो लेस कर देते, ये आप हमेशा ध्यान रखना। चलो अब बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण सूत्र है, यानी जो मोस्टली ज्यादातर आपके चांस बनते हैं मोस्ट सूत्र, तो वो थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ। हालांकि वैसे मैं एक बात हमेशा के लिए कहता हूँ कोई मोस्ट नहीं होता है, फिर भी ये क्यों करवाना पड़ा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा है कि आप थोड़ा सा रिवाइज करें, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे मेरे पास जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो देख सकते हैं, अपना नोट्स पूरा तैयार है वो पढ़ लेना। चलो आप बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, तो सूत्र की बात करें तो आपके आयतन से सूत्र आ सकते हैं, आयतन भले किसी का हो तो वहां से आपके सूत्र आ सकता है। जैसे एक तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र आपका है गोले का आयतन, गोले का आयतन आपको याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन 4/3 πr³, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर बात करूं मैं सूत्र की, तो अर्ध गोले का सूत्र आयतन का याद रखना है, अर्ध गोले का आयतन, आयतन क्या होता है 2/3 πr³ होता है। और 3 नंबर सूत्र की बात करें तो आपको शंकु का आयतन, वेरी वेरी मोस्ट शंकु का आयतन आ सकता है, सूत्र क्या होता है 1/3 πr²h, यह होता है शंकु का। और आगे बात करें तो और ध्यान रखना आपको क्या ध्यान रखना है, चारों दीवारों वाला जो घनाभ होता है ना उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, यह सूत्र भी आपके आ सकता है, क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब बात कर लेते हैं और क्या आ सकता है, तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है घन का विकर्ण आपका आ सकता है, घन का विकर्ण होता है क्या होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा की जगह आपको पता है साइड लिख सकता है या एस लिख सकता है, ध्यान रखना ठीक है। और बात करूं यहां महत्वपूर्ण सूत्रों की, तो मुख्य तौर पर यह सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। चलो अगला बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेलन का आयतन का सूत्र भी याद रखना है, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h, और आपको शंकु का पता ही है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना, πrl होता है आयतन, तो आपको दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं एक जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सूत्र नंबर 7 लिखो, तो जो होता है सम बाहु त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, क्या होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। और एक याद रखना है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र जो त्रिभुजों पे लागू होता है, त्रिभुज का हीरोन का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में लिया जाता है, वो सूत्र याद रखना है, क्या होता है SS-A S-B और S-C का क्या होता है अंडर द रूट होता है, ठीक है। ये इतने सूत्र आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन मैंने लिखा, एक समचतुर्भुज
जिसके विकर्ण कितने देर के, सम चतुर्भुज का दूसरा नाम आपको याद रखना है रोम्बस होता है, इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, तो रोम्बस भी आपको नाम मिल सकता है, ठीक है। रोम्बस के विकर्ण, कई बार विकर्ण को सीधा कर्ण भी लिख देता है, ये आप ध्यान रखना, कई बार व्यक्ति कर देते। 18 मीटर और 16 मीटर है, तो इनका क्षेत्रफल बताओ। आपको पता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ विकर्ण आपको दोनों दे रखे, 1/2 गुणा विकर्ण कितने कितने, 18 और 16। चलो कर देते हैं, कितनी बार कटे, ये 9 बार, 16 9 कितने होते हैं, 144 क्या होगा मीटर का स्क्वायर होगा, ये आपका क्षेत्रफल होगा। अगले क्वेश्चन मैंने लिखे, एक तो समांतर चतुर्भुज का लिखा और एक लिखा त्रिभुज का, तो ये क्वेश्चन आप पहले आप करो फिर मिलाइए यहाँ से, ठीक है, रोक लीजिए वीडियो या तो। अब बात करते हैं, आप साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज, आप सबसे मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सबका फायदा होगा, मैं ऐसी वीडियो देख कर आता रहूंगा। और यदि आपने वीडियो को कहीं लाइक करना भूल जाते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन बिना देरी किए, मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की यहाँ कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज की बात करें तो होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार आपको दे रखा कितना, 10, और ऊंचाई दे रखा अच्छा, इसका मतलब 60 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यदि आधार और ऊंचाई दे दे आपको तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये ध्यान रखना। आपको त्रिभुज में आधा लगता है, आप लगता है, क्योंकि आपको दिखाई भी देता होगा यदि हम समांतर चतुर्भुज बढ़ाए, चलो जो भी है समांतर चतुर्भुज से ढंग से मैं बढ़ाऊं वैसे बनता है, ठीक है। और इसका मतलब आप बताए जो त्रिभुज होता है वो आधा होता है, ठीक है, इसलिए आधार गुणा ऊंचाई लिखते हैं। तो आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार त्रिभुज का कितना है 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, काट तो 2 से 3 बार कितना आएगा 12 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये 60 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताओ। ये पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर पहले आप क्वेश्चन कीजिए, फिर मिलाइए हमारे जो मैं जवाब देता हूँ। तो आप सबको बताया समबाहु त्रिभुज होता क्या है, दो बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। समबाहु त्रिभुज होता है जिनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो, बराबर हो। समबाहु त्रिभुज होता है ABC है, समबाहु है, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर हो और तीनों कोण क्या है बराबर है, तीनों कोण बराबर है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, क्योंकि सब बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। आपको दे रखा तीनों भुजाओं का योग, यानी यदि ये ए है ये भी ए होगी ये भी ए होगी, तो तीनों भुजाओं का योग क्या, 3a बराबर आपको कितना दे दिया, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, परिमाप का मतलब चारों ओर का योग, तो यहाँ 3 है तो तीनों का योग कितना होगा 18 दे रखा, इसका मतलब a बराबर कितना है, भुजा की माप आ गई 6 मीटर, भुजा की लंबाई कितनी है 6 मीटर है। और अभी आपको सूत्र लिखा था समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्षेत्रफल अभी लिखा था 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्या होता है भुजा का स्क्वायर, 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, काट दो कितनी बार 9 बार, तो आपका उत्तर कितना आएगा 9√3 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। अगले क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 49 मीटर स्क्वायर है तो इसके परिमाप क्या होगा। पहले बात कर लेते क्षेत्रफल होता है आपका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसका मान आपको दे दिया 49, इसका मतलब भुजा की वैल्यू आपकी कितने 7 आएगी, 7 मीटर आएगी भुजा की वैल्यू, भुजा आपकी आगे 7 मीटर, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप आप सबको पता है जो होता है वर्ग उसका क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 7 यानी कितना आएगा 28 मीटर आएगा। परिमाप आपको पता है मीटर में होता है और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है आपका, क्योंकि इकाई क्या होती है वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में होती है। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, चलो देख लेते क्या दिए, यदि एक आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा 12,500 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी चौड़ाई 100 मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो, ये लंबाई के लिए क्षेत्रफल सॉरी परिधि दोनों के लिए आ चुका, परिधि का मतलब होता है परिमाप, ये आप हमेशा ध्यान रखो। अब बताया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको दे दिया 12,500, इसका मतलब लंबाई तो आपको दी नहीं, चौड़ाई आपको दे दी कितनी दे दी है 100 बराबर 12,500, यदि
जीरो कट गई, इसका मतलब लंबाई आपकी आ गई कितनी आई 125 मीटर। अब आपको लंबाई कहता तो आपका क्या होता है, ये जवाब हो जाता। आपको दोनों ज्ञात करने के लिए कहे, दोनों ज्ञात कर दो, एक करने के लिए कहता है एक कर दो। अब आप बताएं लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके पास हो तो आप क्या निकाल सकते हो, परिधि या कह सकते हैं परिमाप। परिमाप क्या होगा, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। क्या होगा, दो प्लस कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। दो लंबाई कितनी 125 और चौड़ाई कितनी है 100, यानी 2 × 225 इसका मतलब आपका आएगा 450 मीटर। यदि आपको परिमाप कहे तो 450 होगा और लंबाई कहे तो 125 होगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपके यहाँ। चलो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, यदि एक घनाभाकार कमरा जिसकी विमाई, आप हमेशा ध्यान रखना विमाई के कहे तो पहले लंबाई है चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये ध्यान रखना क्रम होता है इसका। ये आपकी क्या है 10 मीटर क्या है लंबाई, लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपको दे रखी है जो भी दे रखी है वो रख दो 8 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, ऊंचाई आपको दी है 6 मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी है और आपको कहे बांस की अधिकतम लंबाई बताओ तो हमेशा ध्यान रखना बांस की अधिकतम लंबाई होगी वो क्या होगी, सीधी सी बात है जो घनाभ होता है उसका क्या होगा विकर्ण होगा। जैसे मैं घनाभ यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए, ये है घनाभ तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यह आपका क्या है यहाँ विकर्ण, ठीक है। विकर्ण ज्ञात करने का आपको पता है घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। तो चलो कर देते हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का 64 प्लस 6 का 36 यानी कितना है, ये कुल मिला के आया 200। 200 की बात करें तो इसको लिख दो 2 × 100, इसका मतलब 2 तो निकलेगा नहीं, 100 का निकला 10√2 मीटर आपके क्या होगा विकर्ण होगा या कहे बांस की अधिकतम लंबाई होगी। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, कई बार देता है जैसे मैं क्वेश्चन इसमें थोड़ा चेंज और कर देता हूँ, ये आप निकाल ही सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यदि आपको कहे चारों दीवारों के सफेदी कराने की बात करें, चारों दीवारों के दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, क्या निकाल दिए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। कई बार आप कहते हैं 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके चारों दीवारों के सफेदी करवाने का खर्चा बताओ, तो चलो देख लेते हैं 2 कोष्टक लंबाई और चौड़ाई कितनी है 10 + 8 × कितना लिखते हैं 6। चलो लिख लेते हैं 2 × कितना 18 × 6, यदि आप इनको गुणा करोगे 18 × 36 × 6 यानी कितना आएगा 36 है ना, 18 × 36 × 6 आएगा आपका, गुणा कर लो 36 हासिल लगी 3 3 फिर 18 × 3 = 21 यानी 216 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। यदि आप कहते 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा बताओ तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं जितने रुपए देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलो दोस्तों अगला आपके सामने क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई और क्या दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। अब यह क्रमशः लगा रखे, क्रमशः का मतलब जो पहले लिखी है वो क्या है ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये क्या त्रिज्या। कई आप ध्यान नहीं देते, कई बार आपको त्रिज्या ये ले लेते और ऊंचाई ये ले लेते हो गलत हो जाता, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना आपकी एच कितनी देर की 14 मीटर कितनी दिए 14 मीटर और आर कितनी दिए 7 मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आयतन, क्या ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन आपको पता है बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो रख देते हैं मान 22/7 गुणा आर का मान कितना देर का 7 × 7 दो बार रखना है गुणा 14 7 से 7 कटा। अब इनको गुणा कर लीजिए, चलो 22 × 7 = 54 ये आएगा आपको, गुणा करके देख लेना 616 आएगा आयतन, जो भी गुणा करके देख लेना एक बार ट्राई कर लेना मीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन आपका पता है क्यूब में होता है, ये आपको उत्तर है। चलो दोस्तों यहाँ देखो यहाँ 616 नहीं आएगा, 2100 कितना आएगा 56 आएगा, कितना 2156 आएगा, 616 नहीं आएगा, सॉरी मैंने वो गलत कर दिए पीछे वाले क्वेश्चन एक में, ये ध्यान रखना ठीक है 2156 मीटर की क्यूब ये आपका आयतन आएगा, ये आपका क्या उत्तर है। अगले क्वेश्चन मैंने आपको दिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दे तो इसकी क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। आप हमेशा हमेशा ध्यान देना इस तरह क्वेश्चन आए तो आप हमेशा पहले सूत्र लिख लिया करो, इससे आपका आसान हो जाए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात करें आर की घात कितनी, क्योंकि पाई तो कॉन्स्टेंट है ये तो नियत रहेगा, बदल क्या रहा है आर है, इसका मतलब आर की घात कितनी है 2 और आर को कितने गुणा करे
देखो कर रहा है 2 गुणा, इसका मतलब 2 की स्क्वायर, क्योंकि आर का मान कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो कितना आया क्षेत्रफल आपका, कितना होगा 4 गुणा होगा क्षेत्रफल कितना होगा। अब बात करिए यहाँ परिधि की, कई बार दे देते हैं परिधि या कहें परिमाप, तो परिधि होती है 2πr, 2πr है तो आप बताए आर की घात कितनी है यहाँ, आर की घात 1 है, क्योंकि 2π तो क्या है कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को आपको नहीं बदलना है, बदलेगा तो वो आर बदलेगा, तो आर की घात 1 यानी 2 की घात 1, 2 की घात 1 कितना होता है 2 गुणा। तो आप हमेशा ध्यान रखना वरित हुए यदि त्रिज्या जितने गुणी करती है परिधि तो उतने गुणी होती है, जहाँ 4 गुणों का त्रिज्या 4 गुणी करी तो परिधि कितना गुणी हुआ है 4 गुणी उसी। जबकि बात करा क्षेत्रफल भी कोई स्क्वायर हो जाए, यदि कहे 4 गुणी त्रिज्या कर दी तो आपने जो की है कि क्षेत्रफल है वो भी कोई स्क्वायर हो जाए, या 4 को स्क्वायर की तो जाए 16 हो जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल तो वह भी कोई स्क्वायर और परिधि रहे जितना गुणों करे त्रिज्या बता गुणों ही रहे, ठीक है। अब बात कर ले अगलो क्वेश्चन आपने दे रखे है, क्या दे रखे है, यदि एक गुब्बारे में हवा भरने से इसकी त्रिज्या 3 गुणी हो जाती है, क्या हो जाती है। अब बात कर लेते हैं गुब्बारा है, गुब्बारा मतलब गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति की बात करें तो इसका आयतन की बात करें, मैं कह रहा हूँ जल्दी से सूत्र लिख लिया करो, आपका दिमाग एकदम सही हो जाएगा, 4/3 πr क्या होगा क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब आर की क्यूब है, ये तो देखो कॉन्स्टेंट है भाई, वो क्या है कॉन्स्टेंट है, आर की क्यूब है यानी आर की क्यूब लगानी आपको, आर की क्यूब यानी आर कितने गुणा कर रहा है 3, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होती है 27 गुणा, तो आपका जो होगा आयतन वो 27 गुणा हो जाएगा। आपने यहाँ क्या सीखा, इन दोनों क्वेश्चनों में हमने सीखा कि हमेशा ध्यान रखना परिधि, वृत्त की बात कर रहा हूं परिधि, परिधि तो आपको जितने गुणा करते हैं उतने गुणा ही होती है, क्षेत्रफल क्या होता है एन गुणा करे तो परिधि भी एन गुणा ही हुआ, एन गुणा मतलब 2 गुणा 3 गुणा जितना गुणा करे बता गुणा ही हुआ। अब बात कर लिया क्षेत्रफल है नी, एन को स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है आपको पता है क्षेत्रफल की इकाई। और आयतन की बात करें नहीं भाइयों, तो आयतन था ध्यान रखना क्या हुआ, आयतन क्यूब में बटे, क्यूब में यानी क्योंकि क्यूब करनी है 4 गुणों का तो 4 की क्यूब करनी है यानी 64 करनी है, यह बात आपने हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ बात करें हम अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, यदि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 2/3 है तो अभी बता रहा था क्षेत्रफल क्या होगा स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल क्या होगा स्क्वायर, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर कितना होगा 4/2 में, इतना ही उत्तर है और क्या है इसमें, अभी बता रहा था। अगला क्या आयतन क्या होगा क्यूब होगा, तो 3 की क्यूब और 4 की क्यूब क्या होगा 27 और 64 होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आप ध्यान रखना हमेशा के लिए, यदि यहाँ कहता कि परिधियों का अनुपात बताओ तो परिधियों का 2/3 ही होगा, क्योंकि 2 की घात 1 और 3 की घात 1, तो परिधियों को कहे यह जो है क्षेत्रफलों का, किसका है क्षेत्रफलों का, और ये आ गया आयतन का, और यदि आपको कहे परिधि का तो परिधि का यही होगा, परिधि का क्या होगा यही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने अभी तक क्या किसके क्वेश्चन किए, क्षेत्रमितीय आयतन के, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर दिए, लगभग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनसे आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा उम्मीद करता हूँ। चलो अगली जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन हम करेंगे जो ज्यामिति के होंगे, तो अगले क्वेश्चन हमने अब तक क्षेत्रमितीय आयतन के क्वेश्चन किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, यदि लाइक करना आप भूल गए तो बार बार याद दिलाना पड़ता आपको, क्योंकि थे ये तो मान लो लाइक करना भूल जाओ थे, ये वास्ते याद करवा दियो लाइक कर दो, वो लाल तो बटन जगह दे दबाए दो, सब्सक्राइब वो दबा दो, और साइड में जगह घंटी भी दे दबा दो, ठीक है। अब बात कर लिया ज्यामिति का क्वेश्चन अब हल करें, तो ज्यामिति में पहला क्वेश्चन बात करा क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपने, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो अपना हो चुके अब तक, अब 21 क्वेश्चन आप पढ़ा, तो दोस्तों वो आ गया आपने 21वां 22वां 23वां 24वां क्वेश्चन था यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर। अब बात कर लिया पहला क्वेश्चन आपने जो 21वां है वो क्या है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्यों है, पहली बात वो पता होना चाहिए वृत्त की जीवा क्यों है, वृत्त की परिधि वाली बिंग ऊपर कोई भी 2 बिंदु ले लो और बांधे मिला दो वही क्यों है वृत्त की जीवा है। अब कोई भी वृत्त लिया अपना ध्यान है कि बीच कर जाना जीवा उसी बात है बड़ी जीवा उसी बीच कर जाना यानी केंद्र माके जैसी आप केंद्र केंद्र का मतलब है बीच में, तो बीच कर जाना रेखा उसी बाकी उससे बड़ी रेखा उसी इस जकी है जीवा है, बाकी के अलावा आपने व्यास वो क्वेश्चन हमेशा के लिए ध्यान रख लो, और व्यास बात हो त्रिज्या। अब बात करा अगले क्वेश्चन की, तो व्यास अपनी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हुआ है जो वृत्त ने 2 बराबर भागा में बांटा है, ठीक है। अब बात करा अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के 1 बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोस्तों बता दूं ये क्वेश्चन काफी बार आर्मी भर्तियों में आ चुका है, हो सकता है आगे भी आपके भी आ जाए, तो इन्हें बढ़िया तरीका पढ़ लेना, ठीक है। कि ये क्वेश्चन
हमेशा आप गए वर्त हुए भी गए स्पर्श रेखा की बात करा तो स्पर्श रेखा पहली बात वो होना चाहिए ध्यान होना चाहिए स्पर्श रेखा का मतलब टच करके जवाब दे टच करके मतलब माई करने ही जाना चाहिए खाली टच ही करना चाहिए। तो मान लो वर्त है आपने तो एक भाई अभी दुलियो मान लियो हट ले लियो तो स्पर्श रेखा कैसी एक तो आ होगी और एक क्या होगी आ होगी तो हुई तो दो ही। अब बात करा कई कह तो तीन चार खेल दिया खेच के बताई के करी इन कर रही इन कर जाए उसके काट दी यानी वही कर उठ दी और इधर के जाएगा तो बाहर हो जाएगी। तो स्पर्श रेखा कहे तो एक बाह्य बिंदु से दो होगी। अब अगला लिख रखा है वर्त के केंद्र से कितनी स्पर्श रेखा। अब बात कर लेते हैं केंद्र तो वर्त के अंदर होते हैं और आप सबको पता है वर्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं गुजरती इसलिए आप बताए केंद्र से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती इसका जवाब क्या होगा शून्य होगा। और अगला प्रश्न है वर्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी प्रतिच्छेद रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप बताए एक वर्त को उसके प्रतिच्छेद करने वाली आप बताए एक बाह्य बिंदु से क्या हो सकती है अनंत प्रतिच्छेद रेखाएं खींची जा सकती है। और हमेशा ध्यान रखना प्रतिच्छेद रेखा वर्त को दो भागों में बांटती है जबकि स्पर्श रेखा होती है वो वर्त को काटती नहीं है केवल स्पर्श करती है ये बात आपको ध्यान रखना। और थोड़ी सी मैं बात बता दूं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब एक वर्त थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ जल्दी से बताता हूँ आपको बिना टाइम खराब किया आपको क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बताना है आपको क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है तो आप जल्दी से ये वीडियो देख सको। यदि ये स्पर्श रेखा हो आप ध्यान रखना जैसे एक बाई बिंदु से मान लेते हैं ये आपकी स्पर्श रेखा तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ आपका केंद्र मान लो और ये आपका कोण होता है जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच होता है वो 90-90 डिग्री का होता है। कितने कितने डिग्री का होता है 90-90 डिग्री का। आप बताइए आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा हो ये देखो चार कोणों वाली आकृति क्या होती है चतुर्भुज होती तो यदि ये 90-90 180 हो गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको मालूम होना चाहिए 360 होता है तो इन दो कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा ये भी आप देख लो क्योंकि 90-90 180 और इन दोनों का योग 180 होगा तभी तो 360 होगा। तो यदि आपको ये दे दिया मान लो 110 डिग्री तो ये कितना होगा ये होगा 70 डिग्री। ये आपके ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। और जो स्पर्श रेखा होती है एक बाई बिंदु से वो दोनों क्या होती है बराबर होती है। ये स्पर्श रेखा किसके बराबर होगी इसके बराबर होगी। चलो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कुछ दो तीन महत्वपूर्ण सूत्र है जो ज्यामिति के। एक तो आपको ध्यान रखना है एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग अंतः कोणों मतलब आंतरिक कोणों का योग अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या होता है ध्यान रखना हमेशा n-2 × 180 होता है। या यदि आप याद रखो तो आपको पता है 2n-4 × 90 डिग्री होती है। ये 90 कैसे है ये मैं बता देता हूँ 180 को 2 × 90 लिख सकते 2 को अंदर गुणा करा दिया 2n-4 90 डिग्री। ये ध्यान रखना आपको ये सूत्र कई बार आ चुका है ये सूत्र आपको याद रखना है और यदि आपको ज्ञात करना पड़े कोणों की वैल्यू तो ध्यान रखना ये रख देना। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या आ सकते हैं सूत्र देखो क्वेश्चन ऐसे आता है त्रिभुज के कोणों का योग त्रिभुज के कोणों के योग की बात करें तो एन का मान कितना हुआ 3 हुआ। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं 3 − 2 × 180 इसका मतलब क्या 1 × 180 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है ध्यान रखना। अगली बात कर लेते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप हमेशा ध्यान रखना यदि सीधे कोण लिखे तो हमेशा अंतः कोण ही माने जाते हैं यानी अंदर वाली कोण ही होती है। अंतः कोणों का योग क्या होगा 4 − 2 × 180 इसका मतलब होगा 2 × 180 यानी 360 डिग्री कितना होगा 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के ध्यान रखना चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ से ये आया हुआ है चलो मैं ऊपर लिख के आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 25 चल रहा है ठीक है। चलो अगला एक प्रश्न ऐसे आया हुआ है सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या दे रखा है समअष्टभुज है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। समअष्टभुज मतलब भुजाएं कितनी होगी उसमें कोण कितने होंगे कोण होंगे 8 कितने होंगे कोण 8 होंगे। एन का मान 8 दे दिया इसका मतलब 8 − 2 × 180 ये तो होगा संपूर्ण कोणों का योग होगा। ये क्या होगा योग होगा।
आपको बुझ रहा है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, सम स्टूज लगा दिया, इसका मतलब सारा कोण क्या है बराबर है, और सारा बराबर है इनका मतलब छह गुणा 180 लिखी दियो, इन क्या को भाग देना पड़ी, यदि आप एवरेज निकालना या का प्रत्येक कोण बराबर है तो क्या को भाग दिया, आठ भाग दिया, आठ कोण है तो आठ कोण को भाग देवा, चलो चार काट दियो दो बार, चार काटे चार और कितनी बार, पांच बार 45, और दो से काटा ये तीन बार, 45 किया कितना होता है 135 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, आपको ध्यान रखना 135 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है सम पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री, पहले बात कर लेते योग क्या होगा, पांच माइनस दो गुणा 180 यह तो योग होगा, यानी तीन गुणा 180, यदि आपको योग की ज्ञात करना तो 88 कितना होगा, 88 54 5 40 होगा, जबकि आपको कहे प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, योग तो कितना होगा 3 गुणा 5 40 कर देना, कितना होगा 5 40 डिग्री, और कहे प्रत्येक कोण इसका मतलब 5 40 बटे या कर दो 3 गुणा 180, क्योंकि यदि हमें सीधा निकालना हो तो सीधा भाग दे दे करो, क्योंकि गुणा किए बिना कितने का भाग देना 5 का, 5 का भाग दे कितने बाद 5 3 15 36, 36 कितना होता है 108 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। चलो अब बात कर लिया अगला सूत्र है अपनों की है एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, आप कहेंगे तो लपड़ो हो गया विकर्ण के वैधानिक होने, तो विकर्ण को मतलब है कोई भी दो कोण आप जो मान लो कोई भी आकृति चतुर्भुज लियो, ये क्या चतुर्भुज है ये त्रिभुज है, तो दो कोण ले लो और बाने मिलाओ, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए भुजा नहीं होना चाहिए, अब बात करा ये दो कोण ले लिया आप लेकिन अन्य मिला हो लेकिन आप तो भुजा आ रही है, मतलब त्रिभुज में तो विकर्ण वही को नहीं अपन ध्यान है, अब इन नहरी ने मिला हो तो भी आप भुजा ही बन जाएंगे, मतलब ये विकर्ण नहीं होता त्रिभुज में। अब बात करा चतुर्भुज में आया चार कोण में आया चतुर्भुज में, चतुर्भुज में आप देखा तो चतुर्भुज कई जाने को नहीं तो चौरी हुआ है, यहाँ का उदाहरण है जगह की चतुर्भुज है। अब बात कर ले आगे तो चतुर्भुज की बात करा तो आप देखो आ दोनों ने मिला दियो के बढ़ो विकर्ण बन गयो, और आ दोनों ने मिला तो भी के बढ़ो विकर्ण बढ़ो, इनको मतलब दो विकर्ण हम दिख रहे हो चतुर्भुज में दो है और त्रिभुज में तो ही कोनी शून्य है, और आगे पंचभुज में थे को मैं तो बना लिया लेकिन बनाओ टाइम लागी की वास्ते थान दे जब 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती तो बढ़ाए तो आप बढ़ा दियो। तो अब बात कर ले आगे क्वेश्चन, चलो बात करा जी हाँ विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो तीन भुजाओं यानी त्रिभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं आपको पता है क्या रखना है, एन का मान कितना रखा तीन, तीन माइनस तीन बटे दो, इसका मतलब हो गया तीन गुणा जीरो बटे दो, यानी जीरो होता है विकर्ण आपने देख भी लिया नहीं होता है तिकुंटे में, ठीक है। अब बात कर लेते चतुर्भुज, चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको पता है क्या देखोगे, चार चार माइनस तीन बटे दो, इसका मतलब दो से काट दो बार दो गुणा एक, यानी दो विकर्ण होते हैं, तो आप विकर्णों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। चलो अब बात कर लेते हैं कोण के बारे में, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले बात कर लिया क्वेश्चन ऐसे आता है निम्न में न्यून कोण है, न्यून कोण है कई बार क्वेश्चन आ चुका है न्यून कोण, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री का कम का कोण होता है, क्या होता है 90 डिग्री से कम का कोण, 90 डिग्री से कम का कोण क्या कहलाता है न्यून कोण कहलाता है, न्यून का मतलब भी क्या होता है कम होता है यानी थोड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन में आपके दिए मिलते हैं 180 डिग्री, बी देता है 100 डिग्री, सी देता है 70 डिग्री और डी देता है 170 डिग्री, तो आप बताए न्यून कोण यानी 90 से कम डिग्री वाला कौन है, ये सी वाला है, और कई बार ऐसे देता है ऑप्शन कैसे देता है बराबर 90 डिग्री बी देता है ऐसे, सी देता है ऐसे, डी देता है कोई नहीं, यानी कहता है निम्न में न्यून कोण है, ये ऐसे ऑप्शन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, तो ध्यान रखना न्यून कोण है ये तो बराबर 90, क्या न्यून कोण 90 के बराबर तो नहीं होता, ये दे रखा है न्यून कोण हो 90 से बड़ा है, देखो आप कई कंफ्यूज हो जाती है 90 की तरफ तो क्या है मुंह है बंद है और कोण की तरफ मुंह खुला, इसका मतलब कोण 90 से बड़ा है, और यहां देखो ये क्या है कोण, कोण है 90 से छोटा, इसका मतलब यही होगा सही 90 छोटा वाला कोण क्या है ये, तो ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दो नंबर बात, जैसे क्वेश्चन आ जाता है निम्न में अधिक कोण है, अधिक कोण है 2017 जोधपुर भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है अधिक कोण है, तो बात करें हटे ऑप्शन में दे दिया 90 डिग्री, बी दे दिया 70 डिग्री, सी दे दिया 270 डिग्री और डी दे दिया 170 डिग्री,
तो आप बात करा अधिक कोण की, अधिक कोण हमेशा ध्यान रखा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, छोटा, छोटा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें 90 हूं बड़ो और 180 हूं छोटो, वो क्या है अधिक कोण हुए। अब बात करें अंग बीच में तो अपन देख रहे 170 डिग्री है, तो आपका उत्तर क्या होगा 170 डिग्री होगा। चलो अब बात कर लिया ऋजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, साधारण कोण की बात कर ले, सरल रेखीय कोण होता है यानी पूरा पूरा एक सरल रेखा बढ़े तो ये 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वरियत कोण, वरियत है एक तो है वरियत और एक होता है वरित कोण, तो दोनों शब्द अलग अलग है। वरियत कोण होता है 180 से लेके 180 से बड़ा और 360 से छोटे का कोण। जैसे कोई भी इनके बीच में कोण आए, जैसे दे दिया 190 डिग्री, क्या है 190 डिग्री आप बताए वरियत कोण या कहे प्रतिवर्ती कोण है, वरित कोण या कहे संपूर्ण कोण, एक वृत्त पूरा बनता है तो आप बताए संपूर्ण कोण होता है, क्या होता है संपूर्ण एक चक्र पूरा हो गया, इस कारण इसको 360 डिग्री कोण को वरित कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं। अगला है समकोण, आपको पता है 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ये ध्यान रखना। चलो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अर्धवृत्त कोण, क्योंकि वृत्त कोण आपको पता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, इसका मतलब अर्धवृत्त यानी उसका आधा 180 डिग्री हो। लेकिन एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको करना है 180 डिग्री। जबकि आपको कहे अर्धवृत्त के अंदर अंतरित कोण कितने डिग्री का होता है, यह होता है आपका अर्धवृत्त, क्या होता है अर्धवृत्त होता है, यह तो आपको पता है कितने 360 डिग्री का आधा हो गया कोण, यानी सरल रेखा बढ़ रही है, कौन सा कोण हो गया, ये आपका सरल रेखीय कोण या बोल सकते 180 डिग्री का कोण। अब बात करते हैं इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, यहाँ यहाँ आपको पता है कितने डिग्री का बढ़ेगा, 90 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का ये आपको ध्यान रखना है। अंदर अंतरित कोण 90 डिग्री और अर्धवृत्त का कोण खुद का होता है वो 180 डिग्री। पूर्व कोण की बात करें तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री वो पूर्व कोण कहलाते हैं। 20 डिग्री का पूर्व कोण कितना होगा 70 होगा, 45 का कितना होगा 45 होगा, 0 डिग्री का कितना होगा 90 होगा, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। 35 डिग्री का कितना होगा 55 होगा। और संपूर्ण कोण की बात करें, एक आपके आया था संपूर्ण कोण या वृत्त कोण वो अलग था, अब यहाँ है क्या संपूर्ण कोण यानी जिनका योग 180 डिग्री हो, जैसे 110 और 70 डिग्री कितना हो रहा है 180 हो रहा है, 100 और 80 कितना हो रहा है 180, तो जिन कोणों का योग 180 हो वो कहलाते हैं संपूरक कोण। हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, यदि आप वीडियो को लाइक करना कहीं भूल गए हैं, क्योंकि इतनी लंबी क्लास होती है तो लाइक करना तो सीधी सी बात है भूल जाते हो, तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, इसका जवाब आप निकालने की कोशिश कीजिए, ये जोधपुर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था 2019 के पेपर में। चलो बात कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, अब आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज होता है उनमें एक कोण कितने डिग्री का होता है समकोण होता है। कई भाई कहते हैं दो कोण समकोण क्यों नहीं होते, क्योंकि दो कोण समकोण हो गए इसका मतलब क्या होगा, दो कोणों का योग 180 हो जाएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा, या कहे हम सरल रेखा बढ़ जाएगी त्रिभुज नहीं बढ़ेगा, तो समकोण एक ही हो सकता है। अब बात करते हैं एक कोण आपको कितना दे दिया 55 डिग्री दे दिए, तो ये कोण बताओ सीधी सी बात है ये 90 है, टोटल कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, 90 है तो इन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो आपको बताए 55 में क्या जोड़े 90 में, तो आपका थीटा कितना आएगा 35 डिग्री आएगा। ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आया था, ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अब एक बात और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कई बार आपको देता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दे देता है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज में आप सबको पता है दो भुजाएं बराबर और दो कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, आपको देता है कि बराबर वाले कोण यदि 70 डिग्री है, बराबर वाले कोण यदि 70 डिग्री है तो जो तीसरा असमान कोण है वो क्या होगा, तो 70-70 के दो होगी कितना होगा 140 डिग्री होगा, 140 डिग्री होगा, इसका मतलब बाकी वाला कितना होगा 40 डिग्री होगा। और कई बार इसे देते हैं कि असमान वाला 70 है, ये दे देता है 70 है, तो अन्य दो कोण कितने होंगे, तो 180 में से 70 घटाया कितना बचा 110, 110 और दो कोण है बराबर में तो दो का भाग दे दो कितना 55 डिग्री, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके बन सकता है, ध्यान रखना। चलो दोस्तों ये अंतिम दो क्वेश्चन हो गए, जो किसके हो गए ज्यामिति के हो गए, अब ऐसे मत सोचना कि अंतिम दो क्वेश्चन ये आपका सिलेबस तो पूरा होने वाला है, तो वीडियो में बने रही अंतिम तक। चलो बात कर लेते त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के आपको पता है त्रिभुज के यदि प्रकार कहे तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यदि आपको कहे सीधा क्वेश्चन तो आपको तीन करना है, क्या कितना करना है तीन करना है, क्यों करना है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। यदि भुजाओं के आधार पर और कोणों, भुजाओं के और कोणों के आधार पर देखें तो दोनों में तीन तीन है, कैसे देखना
समभाव, समभाव का मतलब सारी भुजा समान हो, समद्विभुज भाव का मतलब दो भुजा समान हो, और विषम भाव का मतलब सारी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो तीन प्रकार हो गए, समभाव, ये क्या हुआ, समभाव, समद्विभाव और विषम भाव। अब बात कर लेते कोणों के आधार पे। एक तो होता है त्रिभुज जिनमें सारे कोण क्या हो, 90 से कम हो, यानी न्यून कोण वाला, न्यून कोण हो सारे कोण। एक होता है समकोण वाला, समकोण आपको पता है एक हो सकता है, तो समकोण वाला हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है अधिक कोण वाला। अधिक कोण का मतलब एक कोण बस से बड़ा हो, जैसे दे दिया 110 डिग्री का, तो ये क्या होगा, अधिक कोण वाला त्रिभुज होगा। तो त्रिभुजों के प्रकार कितने हुए, तीन हो गए। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ऐसे क्वेश्चन आता है समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं समरूप हो सकती है, यहां ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कितनी भुजाएं बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे बराबर हो सकती है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में आपको पता है तीसरी भुजा होती है जो कर्ण होती है, वो तो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बराबर केवल आधार और लंब दो ही हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं समरूप या कहें समान हो सकती है, यानी दो भुजाएं हो सकती है, ध्यान रखना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न है, त्रिभुज की माध्यिका वो जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं केंद्रक, या तो सीधा केंद्रक लिखा हुआ मिलेगा या गुरुत्व केंद्र, दोनों से ही, क्योंकि एक दूसरे के ये नाम है। ये आपका वह ज्यामिति का चैप्टर कर लिया। चलो दोस्तों, हमने अब तक 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और अब बात करने वाले हैं, हमने क्षेत्रमिति और ज्यामिति प्रश्नावली पूरी कर दी है। अब शुरू करने वाले त्रिकोणमिति प्रश्नावली के बारे में क्वेश्चन। तो त्रिकोणमिति के, और लाइक करना भूल गए हैं, वीडियो लंबा है, लाइक करना हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूल रहा हूँ, आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलो बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर हम 21 से पढ़ेंगे, 31 से, क्योंकि हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, 31 नंबर क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति से ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार, साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 12/13 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार नॉर्मल से दे देते एकदम। चलो देख लेते क्या होगा, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लाल बट्टा कक्का, यदि आपको लगाना आता है तो बिल्कुल आसान लगा सकते हैं आप। साइन का मतलब लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण, लंब और करण आपके दोनों पास है, आधार आप याद कर लोगे, क्योंकि करण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। अब बात कर लेते, चलो ये निकालोगे आपके 5 आएगा, निकाल लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा, आपको याद करना है टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होता है देखो साइन कोस टेन, यानी लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार हो गया, लंब आपका कितना है 12 और आधार कितना है 5, 5/12 आपका क्या होगा उत्तर होगा, यह हो गया आपका उत्तर 12/5 आपका क्या होगा उत्तर होगा, क्योंकि 12 आपका क्या है आधार है, सॉरी 12 आपका क्या है, 12 आपका है लंब, लंब बटे आधार, यानी 5 लंब है तो 12/5 आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है टेन थीटा, टेन थीटा आप सबको पता है क्या होता है, लाल बटा कक्का लिखे हम, लाल बटा कक्का, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार आपके पास है 21 और 28, करण आपको ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए आप ज्ञात कर लेना करण आपका आएगा 35, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर करके आप ज्ञात करेंगे तो 35 आपका क्या आएगा करण आएगा। ये क्वेश्चन आर्यों वर्तियों में कई बार आ चुका है, सेम टू सेम, तो आ सकता है आपके भी। अब बात कर लेते हैं आपको साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करण होता है, इसका मतलब लंब कितना आपका, लंब आपका है 21/35 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। चलो इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में मैं आपको बताने वाला हूँ जो सर्व समीकाएं होती है, मेन तौर पर उससे क्वेश्चन आता है, सर्व समीका के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं मेन तौर पर आपको पता है तीन है, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यह पहली सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा दो है, तो ये क्वेश्चन ऐसे देता है, तो इसका बराबर क्या होगा आपको बताए साइन स्क्वायर ए, यदि थीटा यहाँ थीटा बराबर हो तो उत्तर कितना आता है, आपको बताए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान एक होता है 1/2, यानी आपका उत्तर कितना है 1/2 आएगा। तो ये सर्व समीका पहली है। दो नंबर सर्व समीका आपकी है 1 + tan² थीटा का मान किसके बराबर होता है, sec² थीटा के बराबर होता है। और तीन नंबर सर्व समीका 1 + cot² थीटा का बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके पक्षांतर करके किसी भी आपको रूप दे सकते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ आपको पता है यदि यहाँ से हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। और यहाँ से देखिए
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है, ये ध्यान रखना। यहां से आपके क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने लिख रखे पूरक कोण कौन कौन से होते हैं, तो साइन थीटा और कोस थीटा आपस में पूरक कोण है, आगे टेन थीटा और कोट थीटा आपस में पूरक कोण है, वो सेक थीटा और कोसेक थीटा पूरक कोण है। इसका मतलब हुआ साइन 10 डिग्री है वो कोस कितने के बराबर होगा, कोस 80 डिग्री के होगा, क्योंकि दोनों क्या है पूरक कोण है। यदि टेन की बात करें, टेन 5 डिग्री है वो कोट कितने के, 85 डिग्री के बराबर होगा, यानी दोनों का योग 90 होने पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज है, मेन चीज ये है, ठीक है, ये सेक और कोसेक में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपके क्वेश्चन ऐसे आता है साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखो दोनों का योग क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और बराबर में से बराबर घटाते कितना आता है, 0 आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यदि ये चीज आ जाए बट्टी में, जैसे साइन 15 डिग्री बट्टा कोस कितना 75 डिग्री आ गया। अब देखो दोनों का योग क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, और इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है, और बराबर में बराबर का भाग देते कितना आता है, 1 आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि दोनों का योग हमेशा ध्यान रखना, साइन और कोस होने चाहिए, टेन और कोट होने चाहिए, सेक या कोसेक होने चाहिए, दो डबल डबल की ये जोड़ी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात करें साइन और कोस दोनों का योग 90 और बीच में क्या है माइनस, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा, और बट्टे में तो मतलब बराबर में बराबर का भाग देते कितना आता है, 1 आता है। चलो अब थोड़े से सूत्र बात कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, आपको लगातार नाम याद होने चाहिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपको लगातार नाम याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कोस सेक का और टेन कोट का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यदि अब इनको दोनों को वजह गुणा करें, तो साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों का गुणा क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, अब बता, दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम, और व्युत्क्रमों का गुणा कितना होता है, 1 होता है। ये एक नंबर बात, तो ये दोनों में बात आपको ध्यान रखना है, कोस थीटा किसका उल्टा होगा, कोस थीटा आपका उल्टा होगा 1 बटा सेक थीटा, किसके उल्टा होगा 1 बटा सेक, इसका मतलब कोस गुणा सेक हो तब भी क्या होगा, सेक थीटा हो तब भी क्या होगा, 1 होगा। और यदि तीन नंबर बात करें, टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा होगा, क्या होगा, कोस थीटा होगा, तो टेन थीटा और कोस थीटा का गुणा भी कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आगे थोड़ी सी मैं बात और बताऊंगा, क्या बताऊंगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि ये गुणा में हो तो क्या आता है, 1 आता है। अब बात करें, आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे देता है, यहाँ से क्वेश्चन देता है आपको, जैसे देता है साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो आपको कहता है कोसेक थीटा बताओ। अब आप तो इसमें थोड़ा चक्कर में पड़ जाते हो, कैसे करें, तो आपको कहता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो उल्टा कर दो, इसका क्या हुआ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसका जवाब। और बात करें हम चौथे सूत्र की, तो टेन थीटा का मान आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और आपको पता है कोट टेन का उल्टा होता है, कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि टेन थीटा बटे कोट थीटा बराबर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको पता है यदि टेन थीटा तो पड़े अपनी जगह, और कोट थीटा को 1 बटा 10 थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 बटा 10, क्योंकि इसका उल्टा है, तो इसका मतलब ऊपर गया 10 स्क्वायर थीटा, क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। अब चलो दोस्तों बात कर लेते हैं सारणी, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो सारणी मैंने आपको काफी बार क्लास में भी बताया बना के, तो आप खुद बना लेना, क्योंकि तरीका सारा बताया हुआ है मेरा, यदि आप बना के देख लेना, जो भी मान रट लेना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ मुख्य मुख्य मान है वो आपकी याद होने चाहिए जल्दी से, जैसे आपके साइन 90 का मान जल्दी से याद होना चाहिए कितना होता है, 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बात कर लेते हैं टेन 45 का मान, खास तौर से ध्यान रखना, आ सकता है आपके एग्जाम में, कितना होता है, 1 होता है। टेन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3 होता है, और टेन 60 डिग्री का कितना होता है, √3 होता है। ये मान आपके जो मुख्य परीक्षा में आ सकती है, महत्वपूर्ण मान है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और आपको साइन 45 डिग्री का भी मान याद रखना है, 1/√2 होता है। ये जो है मुख्य मान है, जो आपके टेन वाली है ना, जो कि मैंने लिख रखी है 60 का हो बदे टेन के 30 का हो, ये तीनों मान तो इतने मोस्ट है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
ये तो आपके मान की है, वो सारणी आपको याद कर लेनी है। और वीडियो के यदि आप लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने, 1 बटा cosec² θ + 1 बटा sec² θ की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधी सी बात, 1 बटा cosec क्या होता है? साइन। यदि sin² θ + क्या cos² θ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सीधी सी बात है, कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। चलो दोस्तों, जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं आपको नोट लिखाना चाहूंगा, ये मान आपको ध्यान में रखने। साइन थीटा, अकेले साइन थीटा का आपको अधिकतम मान कहे तो कितना करना है? 1 करना है। न्यूनतम मान कहे तो -1 करना है। कोस थीटा अकेले का कहे तो कितना होता है? 1। और न्यूनतम की बात करें तो -1 होता है। और ध्यान रखना, जब प्लस माइनस में आता है, यदि ए साइन थीटा प्लस हो भले माइनस हो, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो भले माइनस हो। ए और बी क्यों लिखा है? कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे लिखा 3 sin θ + 4 cos θ, इसकी बात करिए अधिकतम मान बताओ आपको, तो क्या करना है? यानी आपको करना है 3 का square + 4, हमेशा प्लस लगाना है, क्योंकि कर्ण निकालना है आपको। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो आपको कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। अधिकतम की बात करें तो प्लस का 5, और न्यूनतम की बात करें तो -5। ये तो हुआ अधिकतम, और ये क्या हुआ? न्यूनतम। तो आप बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपके, ये सीधे ध्यान रखना है, साइन थीटा प्लस लगा दो भले माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन के आगे भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 का square + 1 का square आप करोगे, 1 का square + 1 का square, यानी कितना? √2। तो अधिकतम मान तो आपका होगा √2, और न्यूनतम कहे तो आगे माइनस लगा दो, अंदर माइनस मत लगा देना, ध्यान रखना बाहर माइनस लगाना है। तो ये आपको मोस्ट है याद रखने, ये इतने 3 जो नोट मैंने आपको लिखा है। चलो दोस्तों, 39 नंबर और 40 नंबर क्वेश्चन मैंने बोर्ड के सामने लिख दिए। साइन 15 का मान आपको याद रखना है, √3 - 1/2 √2 होता है। और आपको पता है साइन 15 90 में से माइनस करें तो cos 75 के बराबर होगा, क्योंकि पूरक गुण होते हैं। और cos 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2 √2, और साइन 75 का मान के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं अगला क्या है, tan 15 डिग्री का मान, क्योंकि साइन बटा कोस कर दो या तो √3 - 1/√3 + 1। अब यदि इसका हम करें, क्या करें हमें करना है, जो होता है आपका प्रमेयकरण करना है, ठीक है, 2 - √3 आपका आएगा ये दोनों, और tan 15 का मान होगा cot 75 डिग्री। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज कवर किया है, क्या कवर किया है? त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है एवं ज्यामिति है, 3 प्रश्नावली, जो बड़ी बड़ी प्रश्नावली है उनको हमने कवर किया है। यहाँ से कम आर्मी भर्ती में देखे तो आपको 3 या 4 क्वेश्चन कन्फर्म मिलने वाले हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही यहाँ से। तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले आगे की प्रश्नावलियों के बारे में। चलो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।